स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू चैनल में। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम है योजना ज्ञान फॉर यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज राशन कार्ड धारकों के लिए, जी हाँ, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है सामने, क्योंकि आपके लिए ये सच में खुशी की खबर है कि जो राशन कार्ड धारक हैं उनको 14 किलो गेहूं, जी हाँ 14 किलो गेहूं और 14 किलो चावल, 7 किलो आपको मिल रहा है बाजरा और 3 किलो चीनी 18 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, और ये बाकी सारा राशन आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने जा रहा है। और ये स्कीम चालू होने वाली है 15 मार्च से, तो आप इस जानकारी को अच्छे से देखिए ताकि आपको इस जानकारी का फ़ायदा मिल सके अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं। उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है ब्लैक कलर का, उसको क्लिक कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो और जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी का फ़ायदा मिल सके और वो भी राशन कार्ड से इस कार्ड इस सामान का फ़ायदा ले सकें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देश पर हाथरस जिले में 15 मार्च से सरकारी खाद्यान्न का वितरण होगा। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। हाथरस के जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक राशन कार्डों से संबंध प्रत्येक यूनिट पर 1 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम बाजरा दिया जाएगा। अंत्योदय राशन कार्ड पर प्रति कार्ड धारकों को 14 किलोग्राम गेहूं, 14 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम बाजरा की निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2024 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 से 29 मार्च तक सरकारी खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्ड धारकों हेतु मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा पर पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में सवाल है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप किस जिले से हैं ये भी जरूर लिखें। धन्यवाद।